लोगों के बीच में आ रहे हैं। एक बार हटाने की कोशिश की है, मैंने तो इसको नोटिस नहीं किया था, पर हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रहे हैं। इसी मैदान के अंदर हम लोग हमेशा एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसी मैदान के अंदर हम और आप ये बातें करते हैं चुनाव के पहले। और आज बांसवाड़ा जैसी जगह, जिस जगह मेरी माई का मंदिर है, उस माई के मंदिर के पवित्र भूमि पर आप सबको प्रणाम करने का और आप सबसे मिलने का और सबका प्यार लेने का और देने का मुझे ये मौका मिल रहा है। इसी के वजह से उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, और आप सब जो इतनी देर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको मैं पूरी तरह से दिल से प्यार और धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर किसी को समय देते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि उस समय पर आ सकें। आज सुबह 11 बजे 11:30 बजे फिर प्रतापगढ़ वापस आना पड़ा, और इसलिए लंबी, और फिर वो भी लेट हो गए थे। तो जब तक वापस आई तब तक समय निकल गया, और आप तक आते आते इतनी देर हो गई, और उसके बावजूद आप लोग टस से मस नहीं हुए, उसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और उससे मुझे ये विश्वास होता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये कहते हैं, मैंने एक्चुअली कि जब भी यहाँ से विधायक जीत के जाता है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो पिछले बार जब नहीं जीते तब आप और हम दोनों बाहर, अब आप जीते तो क्या मालूम भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाएगी। इसी आशा के साथ नहीं होगी अगर मैं सबसे पहले दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाओं से आपको देते हुए शुरू नहीं करूंगी। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो माई की कृपा होगी, जो भी दुष्ट हैं इस समय में उनका वध होता है, ऐसे दुष्टों का वध करने का काम हमको मिलेगा, समय मिलेगा, होगा। और मैं ये विश्वास करती हूं कि आप लोगों के घर में लक्ष्मी आएगी छोटे छोटे कदमों में, आपको सबको खुशहाली दे के जाएगी, सब दूर समृद्धि फैलाने का काम करेगी, और इसी समय में राजस्थान के विकास का झंडा लेकर हम लोग सब आगे चल पड़ेंगे। याद दिलाना चाहूंगी मैं आपको कि ये तो पहला त्योहार इस टाइम का है, उसके साथ साथ मैं पीले चावल इनके पास भी छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का त्योहार भी हमारे लिए जरूरी है। और ये पीले चावल आपके पास बांट के आप लोगों को सबको कहेंगे कि 25 तारीख आपके सामने आ रही है, वो भी बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए, 5 साल में एक दफा आता है, और उस समय जल्दी से जल्दी 11 बजे तक सब लोग जाके अपना वोट डालकर धन सिंह को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, खबर फैलाने का एक बहुत बड़े उत्सव में अपना सहभागिता दें। सबको देख के क्या करें, इतने दिन हो गए नहीं हुआ, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, और ऐसे कब मौका मिलता है, बस एक 5 साल में एक दफा, तो एक दफा हो गया, फिर अगले साल ये 5 साल में एक दफा, और इस 5 साल में ये एक दफा, तो 3 दफा आप लोगों से इस तरीके से मिलने का मौका मिला है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब सरकार संभाली थी तो हम लोगों ने सबने एक सपना देखा था। राजनीति, लोग कहते हैं कि दिमाग का खेल है, और मैं भी मानती हूँ कि दिमाग से ये काम लेना चाहिए अपने को, सबको, बिना दिमाग के राजनीति कैसे हो सकती है। 2 और 2 4 होते हैं, परंतु राजनीति के अंदर 2 और 2 22 भी हो सकते हैं। तो इसलिए राजनीति तो दिमाग का काम है, परंतु मैं ये मानती हूँ, राजमाता साहब ने मुझे ये सिखाया है, और मैं आप लोगों के बीच में रह के ये समझ पाई हूँ कि दिल के साथ साथ दिमाग के साथ साथ दिल को भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब दिल और दिमाग राजनीति के अंदर हम लोग ला सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं जो वाकई में जनता चाहती है। हम जयपुर में बैठ के नहीं सोच सकते कि आप क्या चाहते हो, हम आपके बीच में आके आंखों में आंख मिलाकर आपके साथ बैठकर जब पूछते हैं तब वो बात निकल के आती है जो बात आप कराना आपके क्षेत्र के अंदर चाहते हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है
कि हम आपके बीच में आए, आपसे बात करें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठें और कार्यकर्ताओं की बात को फिर जमीन पे लाने की कोशिश करें। यही है, ये जब बटते हैं, जब एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जब अलग अलग रास्ते पे चलने लगते हैं, तब विकास हमारा रुक जाता है और हम उसको कर नहीं पाते। पिछले समय के अंदर मुझे याद है कि हमें मजबूत करने की जरूरत है। ये 2008 के अंदर महिलाओं ने मेरे कान में डाला था कि महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की, तो क्या वो पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में नहीं सोचेगी? तो सबसे पहले भामाशाह योजना को हम लोगों ने अपनी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सोचा। हमने सोचा कि ये परिवार की अगर मुखिया हमारी महिला बन जाती है, उसके नाम पर उसका कार्ड बन जाता है और उस कार्ड के ऊपर जो पैसा सरकारी आता है वो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो उसकी वक्त भी होगी, वो अच्छी तरह से अपने घर को भी चलाएगी और आगे चल के उसका घर भी विकसित हो जाएगा। इसलिए हमने उनको आगे किया और उसके साथ हमने जोड़ा जिसको आज ये चिरंजीवी के नाम से कहलाते चाहते हैं, भारतीय माने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। ये सोचा कि उसी कार्ड के ऊपर पैसे देने की अब किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग पहुंच जाओगे 130,000 से लेके 33 लाख तक। हम आशा करते हैं कि हमारे गरीब से गरीब को कैंसर का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो वो काम आराम से कर सकेंगे। मैं तो उसको करके भूल भी गई, परंतु एक दिन मैं अस्पताल में खड़ी थी, SMS में किसी को देखने गई थी, तो उस समय किसी ने मेरे को घिरी हुई थी, किसी ने मेरे कंधे को टोचना शुरू किया, तो इरिटेशन हुआ। मैंने कहा कौन है ये भाई, इससे बात कर रही हूँ, उसको गंभीर घायल है, अस्पताल में आया है क्योंकि कोई उसके एक्सीडेंट हो गया था, और फिर वही टोचना। तो मैंने मुड़ के उसको देखा तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, महिला खड़ी थी मेरे पीठ के पीछे। उस महिला ने मेरे को कहा कि मैं खाली आपको धन्यवाद देने आई हूँ, आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं किस चीज़ का धन्यवाद? उसने कहा आपने कार्ड दिया है हमें, कल रात को मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है, मेरे घर में पैसे नहीं थे, रात का देर रात थी, मैंने हॉस्पिटल को फ़ोन किया, उनने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास वो कार्ड है क्या? उसने कहा कार्ड तो है, पर कार्ड से क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं रखे हैं, मैं कैसे क्या करूं? उनने कहा बस अपने हस्बैंड को गाड़ी में डाल के अस्पताल ले आओ और कार्ड लेते आना, और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उस कार्ड के ऊपर सब सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, उस कार्ड के ऊपर सब गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम लेके आ जाओ। उसने कहा मैं लेके आ गई थी, उसी रात को उनका ऑपरेशन हुआ, मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ा, और आज रात को जो ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेसफुल माना जाना है। और जब मेरे आंखों में आंसू आ गए और मेरे को ये समझ में आया कि अगर प्यार करते हो, सेवा करने की तैयारी करते हो, तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से अपने को खुशी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर मुझे गर्व है। मुझे मालूम है कि ये सेवा करने के लिए रात और दिन एक करने को तैयार है, ये दौड़ेंगे भागेंगे, किसी की चिंता हुई, कोविड का समय था, कोविड के समय में अपना ना अपने बारे में चिंता न करते हुए सबके बीच में, अस्पताल के बीच में लोगों की मदद करने के लिए सब उतर गए। ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ये भी गर्व है कि जो चुन के यहाँ से जाता है, चाहे वो हो चाहे वो ये है, मुझे मालूम है कि किसी भी एक आदमी आपके जेब के अंदर हाथ नहीं डालेगा, बल्कि अपने जेब में से कुछ निकाल के आपको देने का काम करेगा। ऐसे लोग जब आपके विधायक बनते हैं, ऐसे लोग जब आपके लिए दौड़ते भागते हैं, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत क्या है? महिलाओं को, बच्चियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो छुटपन से ही लेके 12वीं तक हम लोगों ने अलग 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 के पैसे दिए। 12वीं तक वो पहुंचे तो 12वीं तक उनको भी फिर पैसे दिए, आखिर में ये कोशिश की कि 1 लाख रुपया उन तक पहुंच जाए। आज मुझे खुशी है कि उसको 2 लाख बनाने का काम हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने किया है। वो आगे बढ़ेगा तो हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी, इंस्टीट्यूशनल माने हॉस्पिटल के अंदर उनके बच्चे होंगे, और वो ऊपर तक जाके ऊपर की पढ़ाई माने इसके बाद उनको कॉलेज भी जाना है तो वो भी फ्री उनके लिए हो जाएगा। इसको देख के, उसको समझ के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वादे होते हैं भाइयों, वादे का मतलब जमीन के ऊपर वो वादे कंप्लीट होके आने चाहिए।
कांग्रेस की आदत है, वादे तो बहुत करते हैं परंतु उन वादों के ऊपर उनका एक्शन नहीं होता है। मैंने कई बार देखा, और छुटपन से की बात करना चाह रही हूँ, जब मैं छोटी थी राजमाता साहब के साथ जाती थी तो हमारे कोई एक जनता पार्टी तब 10-15-20 आदमी हुआ करते थे, ऐसे इतनी बड़ी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं थी। जिस पार्टी को मोदी जी ने बनाया, जिस पार्टी को दिशा दी हमारे अमित शाह जी ने, वैसी पार्टी तो नहीं थी, हमारी पार्टी छोटी थी। और हमारे यहाँ से कोई बैंक में जो काम करते थे वो लोग कांग्रेस में जुड़ने जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप तो रिश्तेदार हो भाई, राजमाता साहब के साथ इतने सालों से हो, छोड़ के कैसे जा रहे हो? उन्होंने कहा साहब आप नहीं जानते हो, आप ही तो पार्टी क्या है, 4-10 आदमी की है, वो आप साइकिल पे बैठते हो, चने रगा जेब में डालते हो और चल देते हो। तो ये तो चने और साइकिल हमको समझ में नहीं आती है, हम लोग तो वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, आखिर में मेरी 2 बेटियाँ कभी तो कभी शादी करवानी है, कुछ तो कमाई करनी पड़ेगी, ऐसे पार्टी में जाने का। मैं बैंक की नौकरी छोड़ के जा रहा था, वो इतनी अच्छी कमाई उसको छोड़ के वहां जा रहा था, मैंने उसको ये मन में था कि इससे ज्यादा कमाई मुझे इस पार्टी के अंदर होगा, इसलिए उसको छोड़ के वहां गया। अब वो सब तब का भ्रष्टाचार, लेकिन आज तक का भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है क्या? आपको लगता है क्या ये कोई किसान से आप बात करोगे, होगा यहाँ कोई किसान बैठा होगा तो उसे पूछने की जरूरत है कि जब आपको कागज लेने जाते हो कल या कुछ लेने जाते हो तो फ्री में मिल जाता है, आजकल फ्री मिल जाता है, ये देना पड़ता है वो किसी चीज के ऊपर। मैं तो छोटी चीज की बात कर रही हूँ, हर चीज का दाम अलग अलग होता है। वादे देते हैं तो वादा पूरा नहीं करते, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमने वादा किया था कि हम हमारे किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करने का हम काम करेंगे, और हमने उसको माफ करके उसको सर्टिफिकेट देने का काम किया, जिसका कर्जा माफ हुआ उसको सर्टिफिकेट मिला। हमारी सरकार का टाइम खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ, मैंने गौरव यात्रा की, आप लोगों के यहाँ से भी निकली, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको बना के दिया कि ये काम हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने मुंडी हिलाई, आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, मुझे खुशी हुई। मैंने कहा चलो इस बार ये पलटा पलटी का काम नहीं होगा, और इस बार जो काम अपन ने चालू किए हैं उस काम को पूरा करने का एक मौका हमको दोगे। परंतु 2 दिन के बाद, इलेक्शन के 2 दिन पहले, एक शख्स आप लोगों के बीच में आए, उन्होंने आपको गिनती सिखाया, 1 से लेकर 10 तक, 10 से आगे नहीं, 1 से लेकर 10 तक आपको सिखाया, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक सिखाया, और कहा कि 10 दिन के अंदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी कर्ज है वो सब 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 माफ हो जाएंगे। यहाँ जो बैठे हैं वो बैंक में 5 साल के अंदर हमको ये चीज सिखाया है कि सरकार जब वादा करती है तो वो वादा पूरा करके ही छोड़ती है। आपने हमारे जो जो काम आपने बताया वो जो सब काम आपने करके दिए, हमें सोचा ये भी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी वादा कर लेंगे तो ये भी वादा पूरा ही हो जाएगा, तो हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा, 5 साल निकल गए कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से वादा कर रोजगारी का भत्ता देके और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। अब ये बहुत अच्छा है, उनने सोच तो लिया था, परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? 19 बार पेपर तो लीक हुआ, वो बेचारा जाके बैठे 2-2 साल पढ़े, वहां बैठे परीक्षा दे, वापस निकल के आए ये सोचे कि अभी इस बार हमको कुछ ना कुछ नौकरी का मौका मिलेगा, परंतु 10 दिन के अंदर पेपर लीक की बात निकल जाती है, किसी को अभी तक पकड़ा है क्या? अरे भाई इनको तो मालूम होना चाहिए, क्या नाम है? ये तो नहीं मुझे मालूम, पर अब कोई अरेस्ट हुए अभी तक? पेपर लीक, और अभी तक इस सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। बेरोजगारी का भत्ता देंगे, चिंता मत करो, किसी को अभी तक बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला है, बेरोजगारी का भत्ता नहीं, काम नहीं। बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा, इसी बांसवाड़ा के अंदर माई की कृपा से आपका यूनिवर्सिटी बना, आपके मंदिर का तो काम तो हुआ ही हुआ, आपके बेनेश्वर धाम पास ही है, चलो हम दोनों डिस्ट्रिक्ट में उसको मानते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में बेनेश्वर धाम के अंदर भी कितना बढ़िया काम हुआ, आपके
हॉस्पिटल्स का काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ और मैंने यहाँ आपकी बटालियंस बनाई प्रतापगढ़ और इस एरिया के अंदर आपकी बटालियंस के अंदर लोगों को महिलाओं को काम मिलेगा ये सोच करके उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। एनी कट बनाए आपके नदी के लिए जो नहर बनाने का काम था उसके लिए आप लोगों ने पैसे मांगने का काम किया तो उसमें भी पैसे दिलवाने के काम किए और मैं समझती हूँ कि जो काम आप लोगों ने मांगे कोई ऐसा काम रहा इस पूरे शहर के अंदर जो जो आपने मांगा है उसको देने का काम तुरंत ही हम लोगों ने आपको दिया है। कोई कहता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, ये सही नहीं है। पैसा हमेशा होता है, बस इच्छा शक्ति की कमी होती है। अगर इच्छा शक्ति और पैसे दोनों मिल जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती है। आजकल तो मैं ये देख रही हूँ बिजली का, पानी का, सड़क का, अपन फिर उसी चीज पे वापस आ गए। 70 साल हो गए, हर 5वें साल में अपन वहीं से काम शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। आज भी मैं कह रही हूँ फ्री बिजली दे रहे हैं, अरे तो कैसे बिजली फ्री बिजली दोगे? 95,000 करोड़ तक तो आपका कर्जा बिजली के विभाग के ऊपर फिर से आ गया है। हम लोगों ने 65,000-70,000 करोड़ का जो था उसको धीरे धीरे 10,000 तक लाया था। मेरा यह विश्वास था कि अगर ये खत्म हो जाता है तो आपके बिजली के दाम, अकेले बिजली के दाम ही 1-1.5-2 रुपए तक आ जाएगा, परंतु अब ये फिर से 95,000 रुपए तक चला गया है तो कहां से आप लोगों को बिजली ला के देंगे? वो तो खरीद ही नहीं सकते बिजली, ट्रांसफार्मर खरीद नहीं सकते। 72 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर देने का तो 72 दिन के अंदर आपको ट्रांसफार्मर नहीं बदल के दे सकते। ये तो आपकी बिजली की स्थिति हुई। कहते हैं कि 100 यूनिट आपको फ्री देंगे, दे कैसे सकते हैं? जब बिजली नहीं आती तो 100 यूनिट आएगा कहां से? और फिर वो बिल देख लो आप, वो बिल भी लिखता है सरचार्ज। सरचार्ज के ऊपर 58 करोड़ रुपया आपके जेब से उन्होंने ले लिया है और फिर वही पैसे 100 यूनिट के अंदर डाल के आप कुछ वापस दे रहे हैं, तो आपके एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालने का काम कर रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा है। 4.5 साल बाद के अंदर उन्होंने खजाना खोला और खजाना खोल के जो माए या माता बहने आए, चलो एक टेलीफोन ले लो तुम उससे खुश हो जाओ, चलो तुम शर्ट ले लो, चलो तुम पैंट ले लो, तुमको जूता देते हैं, तुम्हें धोती देते हैं, सब कुछ जो चाहिए वो ले लो। तो ये सब चीजें अगर आपको करनी थी तो अगर 4 साल पहले कर लेते तो ये सब जमीन पे आ जाते, सड़कें बन जाती, आपके ग्रिड सब स्टेशन बन जाते, पानी आ जाता, पीने को हो जाता, गोरखपथ जैसे हम लोगों ने बनाए और बन जाते, परंतु ये नहीं किया क्योंकि उनका सोच ही नहीं करने का। उनने 6-8 महीने पहले ये काम किया क्योंकि उनको मालूम है कि 12 महीने के बाद तुम्हें जो आना है नहीं, मैंने जितने वोट बटोरने वो वोट बटोर लिए, आ जाते हैं तो आ जाएंगे और नहीं आ जाते तो ठीक है तुक्का तो लगा ही दिया, ये है। और अब तक तो हमें समझ जाना चाहिए पर हमने नहीं समझा। आपको मैं याद दिला दूं, आप लोगों ने कहा है कि महिलाओं की, महिलाएं गांव के अंदर चलती थी पानी लेने के लिए या कोई काम करने के लिए तो घुटने घुटने तक कीचड़ बरसात में उसमें से निकलना पड़ता था। ये गोरखपथ उसी से निकला, हमने कहा हमारी महिला अगर जाती है तो उसके लिए ऐसी सड़क होनी चाहिए उस पर चलती जाए, उसको गंदे या गंदे करने की जरूरत ही नहीं। गोरखपथ बना और आज मुझे खुशी है कहते हुए कि हर एक पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ा गया है गोरखपथ से, और उसी गोरखपथ पे हम लोगों ने स्कूल बनाए जो 0 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाने का काम हम लोगों ने उसमें किया। वहां तो कंप्यूटर के भी थे, वहां प्राचार्य था, वहां टीचर्स थे, और मैंने इन लोगों को सबको कहा कि मत बनाना जब तक टीचर्स नहीं हो। तो टीचर्स की पूरी के पूरे सब क्लास के ऊपर टीचर्स थे जब ये आपके स्कूल बने, आपके कॉलेज थे उन कॉलेज के अंदर आप लोगों के प्राचार्य थे, आप लोगों के प्रोफेसर थे, और आपके जो अस्पताल थे उसमें डॉक्टर्स थे। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका स्कूल है तो टीचर नहीं, आपका अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं। कितने बार अपन वापस जाएंगे? कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा भाई कि भाई 5 साल हो गए, अब अच्छा टाइम आ गया, फिर उसी गड्ढे में जाके गिरना क्या मतलब? तो अब इस बार तो मुझे मालूम है कि समय तो बीजेपी का है क्योंकि वो 5 साल हो गए, परंतु आप 5 साल का मत सोचना प्लीज, आप 10 साल का सोच के जाओ। जो अपन कर रहे हैं वो 10 साल के लेकर गए, ये हम ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी के मुझे खुश करने के लिए, धन सिंह को खुश करने के लिए, अपने जोशी जी को खुश करने, बीजेपी को खुश करने के लिए नहीं,
वो हमारी तरक्की, हमारे विकास, हमारे क्षेत्र की विकास और हमारे प्रदेश के विकास के लिए हम कर रहे हैं। एक अग्रणी प्रदेश, आखिर में जब हमने शुरू किया था तो हम 26वें पदवी पे थे शिक्षा के हिसाब से, और जब अपन ने खत्म किया 5 साल में तो हम दूसरे पद पे आ गए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल अपने को और मिल जाते तो पहले वाले मैंने एक नंबर एक पूरे देश के अंदर अपन नंबर एक उसमें पड़ जाते, कितनी बड़ी बात होती। और जब नंबर एक पे हमारे बच्चे आ जाते तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी जाके वो नौकरी भी ले सकते थे। ये स्थिति अपने को बनाना है, परंतु अपन नहीं बना सके क्योंकि अपन ने 2 कदम तो आगे ले लिया और 1 कदम पीछे। अब ये अपने को बदलने का है। मेरे को कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारा फिर वही नुकसान हो जाता है। आपको कहा है आजकल की नई टेक्नोलॉजी से जितना अपन कर सकते हैं फुहारे पे आने की कोशिश, ताकि अगर 100 आदमी को पानी मिल रहा है तो 200 आदमी तक पानी पहुंचाने का काम अपन कर सके। सिटी के अंदर अपने सीवेज, अपने पीने के पानी और अपने नाली, इसके बारे में अपने को सोचने की जरूरत है क्योंकि सिटी अब बढ़ती जा रही है, लोग सिटी में ज्यादा आते जा रहे हैं। देन अब चारों ओर रिंग रोड की आवश्यकता होगी, कहीं उसका अंत करोगे, परंतु मुझे विश्वास है कि एक एक अपने हाथ में लोगे तो पूरा एक एक करके अपन उसको पूरा कर सकेंगे। अभी जयपुर का रिंग रोड अपने को कर, तो मैं सोचा कि एटलीस्ट इसका आधा जो हिस्सा है वो ही कर देते तो कितनी बड़ी बात हो जाती, तो नहीं कर पाए। 5 साल, 5.5 साल के अंदर वो खत्म हो जाए। वैसे तो आपने हमेशा आपको परिवार जैसे माना है, और बांसवाड़ा तो स्पेशली, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा मेरी माई की डिस्ट्रिक्ट है, और मेरी माई ने जो भी आज मुझे दिया है, जो मैं खड़ी हूँ यहाँ, जो भी मुझे दिया है वो सब उसने मुझे दिया है। इसका मतलब आप लोग सब ने दिया है क्योंकि आप यही परिवार है, और इस परिवार को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कठिनाई आती है जाती है, पर हर राजनीतिक स्थिति में तो आती जाती है, परंतु उसमें आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे, जिस तरीके से आपने हम सबको प्यार दिया, उस चीज़ का मैं दाद देती हूँ, और मैं हमेशा इसी चीज की ऋणी रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी आपकी ऋणी रहेगी, क्योंकि ये प्यार ही बहुत ही हमारे लिए अनमूल्य है। इस प्यार के लिए तो हम दौड़ेंगे भागेंगे, आप हमसे कुछ भी करा सकते हो, उस प्यार देते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, हाथ फेरते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए भागेंगे, इसी के पीछे भागेंगे कि आप प्यार दोगे और काम बताओ उस काम को हम करने को तैयार हैं। बस आप यहाँ आए, आप लोगों ने इतनी देर तक हम सब की राह देखी, मुझे विश्वास है कि आप जाओगे 11 बजे सुबह अपना वोट डालने, और यहाँ ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं तो मैं इनको आगाह तो नहीं कर सकती, पर आप लोग जो हो उनको कह देना कि इन सबको पहले घर से बाहर करो, सुबह 11 बजे तक ये सब लोग अपना जाके वोट डाले आए, फिर उसके बाद इनकी खिदमत करो, इसके पहले नहीं। तो चाय नो खाना जब तक ये वापस अपने वोट डाल के नहीं आ जाए, 11:30 बजे तक अपना पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, तब लाइन लगा के अपने बूथ में जाके अपना करके आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि छोटे मोटे वोटों से नहीं, पिछले बार कितने वोटों से आप हारे थे, कितने? तो इसका तो मेरे को, मानती हूँ मेरे को डबल से तो जीतना है, तो 18 को 3 से करो, तो 18 से तो मेकअप करना है, 1 और फिर 2 18 आपको लेने हैं डबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने हुए? कौन करता है मैथ्स यहाँ? 36 प्लस 18 54 ना, 55 ही कर दो भाई, 55,000 वोटों से जिताने का काम है, करोगे तो हो जाएगा काम। जैसे मैंने कहा, ये हमेशा कहती हूँ, मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है भाइयों, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। मैंने तो अपनी बात जो कहनी थी कह दी, और मैंने कह दिया कि ये परिवार है आपकी, इसकी तो जिम्मेदारी कुछ है, कुछ आपकी भी है। बताओ यार, ऐसे भी क्या आपकी नींद आ गई क्या? अभी तो 9:15 बजे, बताओ डालू? अरे बढ़िया, आपने आवाज सुनाई,
मैं तो 25 तारीख को देखना चाहूंगी कि वाकई में आपने 55,000 वोटों से इनको जिताया कि नहीं जिताया, तब मजा आएगा, क्योंकि वादा पे खरे उतरने वाले फिर आप भी होंगे। भाई जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रखना ये वो मोदी जी की पार्टी है जिसने कितने कितने सालों का वादा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, आखिर में राम मंदिर बन के आपके लिए तैयार हो गया। जनवरी के महीने में जो आदमी जाना चाहता है वो जाके आराम से राम मंदिर के दर्शन करके आएगा। वैसे पार्टी के नेता बनेंगे ये सब, हम चाह रहे हैं कि आप इनको जोरदार तरीके से जिताने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।